आपको भी अगर इंस्टाग्राम पर ग्रो करना है तो आपको ये भी समझना होगा कि 2024 आ चुका है। यहाँ पर इंस्टाग्राम में ग्रोथ के मायने काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं, एल्गोरिदम में काफी ज्यादा बदलाव आ चुके हैं। अगर आपको ये समझना है कि एल्गोरिदम किस तरीके से अब काम कर रहा है इंस्टाग्राम पे ग्रोथ के लिए, अब इंस्टाग्राम पे एल्गोरिदम काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। अब अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको हैशटैग की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो आप सोचेंगे आप हैशटैग नहीं लगाएंगे तो कैसे पता चलेगा इंस्टाग्राम को आखिर हमें हमारे वीडियोस को कहां तक पहुंचाना है या किस तक पहुंचाना है। तो अब आपको कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, जैसे कि यूट्यूब में होता है, जब भी आप अपना कैप्शन लिखो तो वहां पर काफी अच्छी तरीके से एक स्टोरी टेलिंग करो जिसमें कीवर्ड्स हो, जिस रिलेटेड आपकी वीडियो है उसके रिलेटेड कीवर्ड्स हो और अलग अलग फ्रेज हो जो कि हेल्प करे इंस्टाग्राम को ये समझाने में कि हाँ ये कॉन्टेंट इस रिलेटेड है तो ऐसे व्यूवर्स को दिखाना चाहिए, तभी आप वायरल हो पाओगे इंस्टाग्राम के ऊपर। और अगर फिर भी आप चाहते हो कि हैशटैग लगाओ तो आपको इस तरीके के हैशटैग लगाने होंगे जो सच में हेल्प कर सके। वो हैशटैग है आपके पर्सनल हैशटैग जो आप 2 या 3 हमेशा बना के रखिए, हमेशा अपने कंटेंट में लगाते रहिए। और 2 ऐसे हैशटैग जो कि आप हमेशा यूज करते हैं जो कि ओवरऑल हैशटैग होता है, जैसे रील्स इंडिया हो गया, एक्सप्लोर हो गया, एक्सप्लोर पेज हो गया या फिर रील्स हो गया, ऐसा करके हैशटैग, ये भी आप यूज कर सकते हो। ग्रोथ के रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए इंस्टाग्राम के ऊपर तो आप हमारे चैनल यूट्यूब सब्सक्राइब करिए, यहाँ पर काफी सारी ऐसी ही वीडियोस आपको देखने को मिल जाने वाली हैं।